तो आइए हम अध्याय 18 में इसराइलियों के उन आखिरी 7 अनुभवों को देखें जिसे उन्होंने मिस्र देश और सीनै पर्वत के बीच में प्राप्त किया था। निर्गमन की पुस्तक 18 अध्याय उसके 1-4 पद में हम पढ़ते हैं। लिखा है, और मूसा के ससुर मिद्यान के याजक इत्रो ने यह सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इसराइल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात यह कि किस रीति से यहोवा इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले आया। तब मूसा के ससुर इत्रो मूसा की पत्नी सिपोरा को, जो पहले नहर भेज दी गई थी, और उसके दोनों बेटों को भी ले आया। इनमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गेरशेम रखा था कि मैं अन्य देश में परदेशी हुआ हूँ, और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एलीएजेर रखा कि मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया है। मित्रों, मूसा अब एक बड़ी समूह जो इसराइली हैं उनके साथ मिद्यान में पहुंचा है, और यहीं पर उसका ससुर उसकी पत्नी और बच्चों को उसके पास लाते हैं। वास्तव में जब वे एक विशेष अनुभव के साथ मिस्र में गए, तब मूसा की पत्नी ने मूसा को एक हत्यारा पुरुष या पति भी कहा था। तब कुछ समय के बाद मूसा उसे वापस भेज दिया, क्योंकि जब इसराइली लोग मिस्र से प्रस्थान किए तो उसकी पत्नी के बारे में कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। परंतु अब इत्रो उसे और उसके दोनों बच्चों को मूसा के पास लाते हैं। इस प्रकार से यह परिवार का एक पुनर्मिलन है। हम निर्गमन की पुस्तक 18 अध्याय उसके 5-7 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, मूसा की पत्नी और पुत्रों को उसका ससुर इत्रो संग लिए मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया जहां परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था, और आकर उसने मूसा के पास यह कहला भेजा कि मैं तेरा ससुर इत्रो हूँ और दोनों बेटों समेत तेरी पत्नी को तेरे पास ले आया हूँ। तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चूमा, और वे परस्पर कुशल क्षेम पूछते हुए डेरे पर आ गए। मित्रों, यहाँ पर मूसा और उसके ससुर के बीच के संबंध को ध्यान दें, जो एक मज़ेदार और अद्भुत संबंध है। वास्तव में वे ऐसे लगते हैं कि वे बहुत घनिष्ठ हैं। मूसा उसे सब कुछ बताते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इसराइल के संतानों की अगुवाई करने में उसकी अगुवाई की, अर्थात मदद की, जब वे मिस्र देश से निकल रहे थे तब। और इत्रो मूसा की प्रत्येक बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे जो वह उन्हें बता रहा था। और वास्तव में जब मूसा अपने परिवार से मिलने के लिए गया तो उसने अपने ससुर को चूमा, लेकिन पत्नी को चूमने के बारे में हमें कुछ भी यहाँ पर नहीं बताया गया है। मित्रों, यह परिच्छेद हमें कुछ भी नहीं बताती है कि मूसा अपने बच्चों से मिलकर खुश हुआ या नहीं। ये सारी परिस्थिति हमारे पहले के निर्णय में पहुंचाती है कि मूसा का पारिवारिक संबंध या जीवन अच्छा नहीं था, जैसा कि उसे होना चाहिए था वह ऐसा नहीं था। हम निर्गमन 18 उसके 8-12 पद में पढ़ते हैं। वहां मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इसराइलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया, और इसराइलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया। तब इत्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इसराइलियों के साथ की थी कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया है, मग्न होकर कहा, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया। अब मैं जान लिया कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिसमें उन्होंने इसराइलियों से अभिमान किया था। तब मूसा के ससुर इत्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और हारून इसराइलियों के सब पुरनियों समेत मूसा के ससुर इत्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने आया। मित्रों, संभवतः इत्रो उस समय संदेहवादी था जब मूसा विद्यान देश में ही था, और उसने घोषणा किया कि वह इसराइलियों को मिस्र की गुलामी के जुए से छुटकारा देने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि उसने अपने पड़ोसियों से अवश्य ही कहा होगा कि मुझे मालूम नहीं कि मेरे दामाद को क्या हो गया है, उसके पास बड़े अच्छे विचार हैं। वह सोचता है कि परमेश्वर ने उसे इसराइलियों को मिस्र से छुड़ाने के लिए बुलाया है। मैं बस विश्वास ही नहीं कर पाता हूँ कि जिस परमेश्वर की वह सेवा करता है वह ऐसा कुछ कर सकता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसे किया, और इसी से इत्रो स्पष्ट रूप से परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में जानने पाया।
इस सत्य का प्रमाण यह है कि उसने परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाया। हम आगे देखते हैं कि इत्रो मूसा को न्याय नियुक्त करने की सलाह देता है और मूसा के द्वारा स्वीकारा जाता है। निर्गमन 18 उसके 13 पद से 18 पद में, दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वे मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता हूँ और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें जताता हूँ। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं, और इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय हार जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। मित्रों, वास्तव में मूसा का ससुर उसे प्यार करता था और उसके प्रति आदर भी रखता था और उसके बारे में जोश से रहता था। जैसे ही उसने मूसा के परिवार अर्थात पत्नी और बच्चों को उसके साथ रहने के लिए उसके पास लाया तो वह उसके साथ कुछ दिनों तक रहा। तब उसने देखा कि मूसा लोगों का न्याय करने में कितना व्यस्त है, तब वह उसके पास सलाह लेकर आता है ताकि मूसा का बोझ कुछ कम हो जाए। हम निर्गमन 18 उसके 19 से 27 पद में पढ़ते हैं, इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू तो इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुँचा दिया कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट कर करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना है और जो जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुष को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों, और उनको हजार हजार, सौ सौ, पचास पचास और दस दस मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे, और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करें, और सब बड़े बड़े मुकदमों को तो तेरे पास ले आया करें और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करें। तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। अपने ससुर की यह बात मान मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया, सो उसने सब इसराइलियों में से गुनी गुनी पुरुष चुनकर उन्हें हजार हजार, सौ सौ, पचास पचास और दस दस लोगों के ऊपर प्रधान ठहराया, और वे सब लोगों का न्याय करने लगे। जो मुकदमा कठिन होता उसे तो वे मूसा के पास ले आते थे और सब छोटे मुकदमों का न्याय वे आप ही किया करते थे। और मूसा ने अपने ससुर को विदा किया और उसने अपने देश का मार्ग लिया। इत्रो ने मूसा को सलाह दिया कि वह न्यायियों को नियुक्त करे जो लोगों की समस्याओं का न्याय कर सकते हैं। कोई कहता है कि योग्य है, उसके सलाह में क्या समस्या है? यह ठीक है और बाहरी रूप से अभी तक सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। मित्रों, इस बात को हमेशा याद रखने की जरूरत है कि इस संसार में दो प्रकार के ज्ञान हैं, एक सांसारिक ज्ञान है और दूसरा परमेश्वर का ज्ञान है, और इत्रो का सलाह संसार के ज्ञान के आधार पर था। जब आप संसार के ज्ञान के तरीके का अनुसरण करते हैं तो आप परमेश्वर के ज्ञान की ओर नहीं देखते हैं। आज कलीसियाओं का समस्याओं में फंसने का या पतन का एक कारण यह भी है कि लोग कलीसिया में लाए जाते हैं और उन्हें कलीसिया की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, क्योंकि वे अपने व्यवसाय में अर्थात व्यापार में या अपने कार्यों में सफल लोग हैं और वे कलीसिया को संसार की बुद्धिमता के द्वारा या नियम से चलाना चाहते हैं और उनके पास कोई भी आत्मिक परख या सूझबूझ नहीं होती है। मित्रों, संसार के नियम या कार्यप्रणाली कलीसिया में सफल नहीं होते हैं। इत्रो ने जो परामर्श मूसा के सामने रखा वह अच्छा था, जो मूसा के कार्यभार को हल्का करता और काम भी जल्दी पूरा हो जाता। यह एक क्रमबद्ध पद्धति को लाता और समय भी बचता। लेकिन इत्रो का यह प्रस्ताव एक बहुत ही आकर्षक और पार्सल की तरह लग रहा था। उसका यह सलाह निष्कपट और गंभीरतापूर्ण था। वह मूसा के स्वास्थ्य के प्रति भी चिंतित था। आप उसकी सहायता तो नहीं कर सकते हैं, परंतु इस कार्य के लिए आप उसे अवश्य पसंद करेंगे।
जो भी हो, यहाँ पर हमें एक बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर ने इसे ऐसा नहीं होने दिया, परंतु उसने कोई भी सलाह नहीं दिया। मित्रों, जब हम इस परिच्छेद का परीक्षण ध्यानपूर्वक करते हैं तो हमें इस मनुष्य के सलाह के पीछे छिपे सूक्ष्म और दुष्ट प्रवृत्ति का पता चलता है। सबसे पहली बात तो यह है कि मूसा को परमेश्वर की ओर से ऐसी कोई भी आज्ञा या निर्देश इसके संबंध में नहीं दिए गए थे, और वास्तव में इत्रो का सलाह परमेश्वर के ज्ञान, न्याय और उसके प्रेम पर सवाल उठाता है। और वास्तव में इत्रो कह रहा था कि परमेश्वर मूसा के लिए उतना अच्छा नहीं कर रहा है जितना कि वह कर सकता है या उसे करना चाहिए। यदि परमेश्वर वास्तव में मूसा से प्यार करता है और उसकी चिंता करता है तो वह इस सलाह को उसे बहुत पहले ही दे दिया होता। मित्रों, मुझे इत्रो के कथन के पीछे सर्प की आवाज़ अर्थात फुसफुसाहट सुनाई देती है, जिसने बहुत पहले अदन की वाटिका में अपने को प्रचलित कर लिया था, जिसने हवा को सलाह दिया, यदि तुम इस वृक्ष के फल में से खाओगी तो तुम बुद्धिमान हो जाओगी और इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें उसे खाने के लिए मना किया है। परमेश्वर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं कर रहा है जैसा कि वह कर सकता है। मित्रों, इत्रो का सलाह भी उसी बात को लागू करता है, परंतु यदि यही एक उत्तम तरीका होता तो निश्चय ही परमेश्वर इसका प्रबंध बहुत पहले कर दिए होते। मित्रों, अब दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है कि परमेश्वर मूसा के साथ सीधे बातचीत कर रहे हैं। वह उसे इसराइलियों को छुटकारा दिलाने के लिए और एक बड़े कार्य को करवाने के लिए उसे तैयार कर रहे थे। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि कोई तीसरा पार्टी या व्यक्ति उनके बीच में आए। वह नहीं चाहते थे कि कोई और उसमें जुड़े जो उन्हें दूर करे या परमेश्वर के सामर्थ को सीधे मूसा पर आने से अलग करे। मित्रों, इस बात को याद रखें कि परमेश्वर मूसा के साथ में आमने सामने बात करते थे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज परमेश्वर के साथ सीधे बातचीत नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वे दूसरे लोगों के साथ उस बात को रखते हैं और बातचीत करते हैं। वे किसी व्यक्ति के माध्यम में से होकर एक कलीसिया, एक उत्सव या किसी पुस्तकालय या मेला में या गीत की संगीत या समारोह में जाते हैं। इन सब के लिए उनके अपने स्थान है, परंतु मेरे मित्रों, हमें सीधे परमेश्वर के पास जाना चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि ये भीड़ उनमें शामिल की जाए या अंदर लाई जाए। मित्रों, अब तीसरी बात जो ध्यान देने योग्य है, जब हम इस परिच्छेद को देखते हैं तो क्या इत्रो की सलाह ने एक संस्था की रचना कर दी जिसमें से निकलकर 70 यहूदियों की सभा आई या निकली, जो एक रात लगभग 1500 वर्ष के बाद मिले और उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को मारने की योजना बनाई। मूसा को इस संस्था की आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर ने मूसा को उसके कार्यों के लिए सामर्थ्य प्रदान किया और ये कार्य कठिन भी थे। मित्रों, ये 70 लोगों में से परमेश्वर के लिए कोई भी कार्यकुशल नहीं था, परंतु एक व्यक्ति जो मूसा था। अंतः यह आत्मा ही है जो मनुष्य को उत्तेजित करता और शक्ति देता है, अर्थात सामर्थ्य प्रदान करता है। मित्रों, बहुत से लोग हैं जो महसूस करते हैं कि कलीसिया को सफलता के लिए एक सही सिद्धांत या नियम की आवश्यकता है। अभी इसी समय बहुत से प्रचारक लोग हैं जो अपनी पहचान नई पीढ़ी के साथ देने की कोशिश करने के द्वारा अपने को मूर्ख बना रहे हैं। उनका कहना है कि वे उस नई पीढ़ी के साथ संपर्क रखना चाहते हैं। मित्रों, एक बाहर देश में एक महाविद्यालय है जहाँ पर लोगों के साथ संपर्क रखने और अपनी पहचान बनाने की प्रशिक्षण दी जाती है, लेकिन मैंने इस प्रकार के लोगों से यह कभी भी नहीं सुना कि उन्होंने किसी आत्मा को प्रभावित किया व जीता है। मित्रों, वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर को एक नियम या एक सिद्धांत या एक संस्था, एक विधि या प्रणाली या अच्छे कार्यों की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर संसार के ज्ञान को एक तरफ कर देते हैं ताकि उसके बीच और आपके आत्मा के बीच कुछ ना हो, ताकि कोई भी टूटी हुई सरकंडा सहारा न लेने पाए। संसार का ज्ञान और परमेश्वर का ज्ञान एक दूसरे के विपरीत या विरोध में है, इसलिए एक बहुत बुद्धिमान और दूसरी मूर्खतापूर्ण ठहरती है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय उसके 18 और 19 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनके चतुराई में फंसा देता है। प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 4 पद में आगे कहते हैं,
मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। मित्रों, हमें चतुर बनने की आवश्यकता नहीं है और न ही बुद्धिमानी से लोगों को मसीह के लिए जीतने की। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि परमेश्वर का ज्ञान हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करे। हमें परमेश्वर के सामर्थ की आवश्यकता है, न कि नए सिद्धांतों व तरीकों की। मेरे प्रिय मित्रों, क्या आप संसार के ज्ञान पर निर्भर हैं, या आप परमेश्वर की ओर देखते हैं कि वह आपका मार्गदर्शन करे और उस ज्ञान के साथ जो स्वर्ग से आती है आपका अगुवाई करे? आप कौन सा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, इत्रों का ज्ञान या परमेश्वर का ज्ञान? मित्रों, आज बहुत से लोग संसार के ज्ञान पर घमंड करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा ही सफलता मिलती है। आज आप भी निर्णय लें कि आप कौन सा ज्ञान पाना चाहेंगे।